बालाघाट थाना अधिकारी मुरारी लाल मीणा पर ग्रामीणों ने वर्दी का रोब दिखाकर परेशान करने का आरोप लगाते हुए टोडा भीम डीएसपी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण ने कुड़ावल सरपंच के नेतृत्व में प्रदर्शन कर टोडा भीम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र कार्यवाही की मांग की। कुड़ावल सरपंच राजेश मीणा ने आरोप लगाया है कि बालाघाट थाना अधिकारी मुरारी लाल मीणा अपनी वर्दी के दम पर क्षेत्र के ग्रामीणों को आए दिन परेशान करते हैं। आरोप है कि थानाधिकारी लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां भी देते हैं, साथ ही घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करने के भी लोगों ने आरोप लगाए हैं। बालाघाट थाना अधिकारी पर वर्दी का रोब दिखाकर डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने टोडा भीम पुलिस उपाध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाधिकारी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और नौकरी इन्हें 8 रुपए में फाड़ दो। बैठा तो करने हाथ कर ले। ऊपर हाथ कर ले। सर किस चीज को लेकर आप यहाँ आज मिले हो? हम श्यामलाल जी के मैटर को लेकर यहाँ मिले, जिसमें थाना अधिकारी मुरारी लाल मीणा जी का बहुत ही वर्चस्व इसमें रह रहा है, जबकि वो चाहते हैं ग्राम पंचायत कोड़ावल में हर तरह के केस में लेकर के हर पब्लिक को परेशान करूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं हर आदमी हमारी पंचायत का सुखी रहे, लेकिन उनका यही मकसद है। आज नहीं, लगभग 6 महीने से पहले से लगे हुए हैं कि इस पर 376 लगाना, उसका सपोर्ट करना। ग्राम पंचायत में मतलब चुनाव हुए थे तो उस समय भी हर तरह का सपोर्ट विपक्षी दलों के साथ किया, जैसे चरणजी लाल मीणा जो चुनाव लड़ा हुआ था, मानसिंह मीणा जो चुनाव लड़ा हुआ था, उनके साथ पूरा सपोर्ट किया। और जो चुनाव में सरपंच राजेश के पक्ष में जो भी वोटर थे उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने की पूरी साजिश की, इसी के मामले में कहना चाहता हूँ। श्यामलाल जी को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है, अतः उन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला तो हम जन जन को लेकर के आज तो हम शांतिपूर्ण महात्मा गांधी वाले तरीके से न्याय मांग रहे हैं। यदि नहीं होगा तो जन जन को लेकर के हम आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। आपका नाम? नाम कप्तान सिंह बेनीवाल। ये सर शंकरपुर से जो चुनाव लड़ा था मान सिंह ठेकेदार, वो चुनाव में हार गया। उसके बाद में हम राजेश जीत गया नांगल सुल्तानपुर से। उसने चुनाव खत्म होते ही गांव में एक तरह से फूट डालो की नीति अपना ली, और जो राजेश के सपोर्टर थे उनके साथ बदतमीजी करना, और दशहरे की रात को श्यामलाल भैरव जी पे प्रसाद चढ़ा के आ रहा था तो रास्ते में मान सिंह ठेकेदार ने उसकी मोटरसाइकिल को रुकवा के और उसके लाठी डंडों के साथ उसकी मारपीट कर दी। गांव में सूचना लगी, गांव के लोग श्यामलाल को उठा के ले आए। उसके बाद श्यामलाल ने केस कर दिया। पुलिस ने श्यामलाल के केस पे कार्रवाई न करते हुए और उल्टा मान सिंह ठेकेदार ने उसकी भाभी के जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था बलात्कार का, उस पर श्यामलाल को उठा के ले आई। जबकि नियम था, प्रशासन का काम था, पहले FIR दर्ज श्यामलाल की हुई थी, श्यामलाल के केस की कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पर न करके और पुलिस ने मतलब उल्टा श्यामलाल को अरेस्ट कर लिया। आज आप डिप्टी साहब से मिले हो यहाँ, इनसे क्या आश्वासन मिला है आपको? डिप्टी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बात करके अगर डिप्टी साहब ने कार्रवाई नहीं की आगे बात करके तो हम आज तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आगे जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, और जो भी कार्रवाई होगी वो सब कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। जनता को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी इलीगल कार्रवाई किसी गरीब के साथ में नहीं होना चाहिए। मैं गरीब के न्याय के लिए ही जगह जगह गुहार लगाता फिर रहा हूँ। आप मीडिया वालों से, विभाग से, ये सब भाइयों से, सबसे मेरा यही निवेदन करता फिर रहा हूँ। मामला क्या था, किस चीज को लेकर, क्या झगड़ा, क्या किस चीज को लेकर हुआ? मामला चुनावी रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ था, जो 25 तारीख को श्यामलाल उस गाँव से गुजर रहा था, लोगों ने घेर करके उसकी मारपीट की। मारपीट करने के विपक्षी दल ने
जो मानसिंह मीणा है उसने विपक्ष में चुनाव लड़ा था और उसी ने उसके साथ मारपीट की थी और फिर SHO से मिलकर के साठगांठ करके उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस दिनांक को उक्त व्यक्ति श्याम लाल ने रिपोर्ट भी दी थी जो कि परिवाद लेकर के और पेंडिंग में डाल दिया और उक्त व्यक्ति को उसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करके और बोले मेरी भाभी के साथ ऐसा मारपीट किए, बाल पकड़े, इस तरीके से इलीगल आरोप लगा करके और उसी को गिरफ्तार करवा दिया। अब क्या लगता है आपको, अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप इसके लिए? अब मेरा तो मैं जो भी अपने संविधान के अनुसार जो अपनी बात को रखने का तरीका है अनशन पर बैठूंगा और जहां जैसे जरूरत पड़ेगी उक्त समय पर उसी हिसाब से मेरे जनमत के साथ जो भी मेरा न्याय मिलने के लिए जो कार्रवाई लेकर आप यहाँ आए हो डिप्टी ऑफिस। हमारा जो कल श्यामलाल पटेल था जो खेती का कार्य करता है और एक गरीब किसान है और उसको पुलिस अनायास ही कि भाई तेरा मुकदमा दर्ज करेंगे, तेरा मेडिकल करवाएंगे, इस तरीके से कह के ले आई और उसको 354 और 279 504 पता नहीं कौन कौन सी धारा में गिरफ्तार कर लिया और हमारे काफ़ी आग्रह करने पर भी और हमसे बदतमीजी से पेश आए और कोई न्याय नहीं है, कोई धारा नहीं थी। उस दिनांक को उसी की स्वयं की पिटाई हुई थी और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। तो अब क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ डिप्टी साहब की तरफ से? डिप्टी साहब कह रहे हैं एच साहब से बात करेंगे और इस फाइल को चेंज करवाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत।